नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चौबलक पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे PTT काउंसलिंग 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, PTT 2 वर्षीय पाठ्यक्रम यानी BEd पाठ्यक्रम और उसी के साथ PTT 4 वर्षीय पाठ्यक्रम यानी BSc BEd और BA BEd पाठ्यक्रम, इन दोनों के बारे में महत्वपूर्ण सूचना आज की वीडियो में आपको दी जाएगी। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे इसी तरह की सही तथा सटीक जानकारी की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं PTT 2 ईयर और PTT 4 ईयर में डेट से संबंधित क्या क्या नई अपडेट्स आई हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और देता हूँ पूर्ण रूप से इसकी जानकारी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इसके 4 ईयर के ऑनलाइन रिपोर्टिंग की डेट है उसको अभी बढ़ाकर 25/10/2020 रात्रि 8 बजे तक कर दिया गया है। यानी अभी आपके पास 1 घंटा और है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अभी भी। और उसी के साथ फ्रेंड्स, अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपके यहाँ पर कल सुबह 8 बजे तक का समय आपके कर दिया गया है। तो कोई भाई इच्छुक है, कोई बहन इच्छुक है, तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए ज़रूर से अप्लाई कर दे। कल सुबह 8 बजे इसकी अंतिम डेट रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट का कार्य है वो 27/10/2020 इसकी लास्ट डेट कर दी गई है। पहले ये डेट आपकी 24/10/2020 थी, अभी ये 27/10/2020 कर दी गई है। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम वाले सभी कल सुबह 26 तारीख सुबह 8 बजे तक इसके अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इंडेक्स में अभी 25 तारीख शो कर रहा है, लेकिन इसको 26/10/2020 प्रातः 8 बजे कर दिया गया है। अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, तो इन 4 वर्षीय पाठ्यक्रम वालों के लिए जो अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट है वो भी आपके 27 तारीख को आएगा। और उसी के साथ गैर आवंटित अभ्यर्थियों को, यानी ऐसे अभ्यर्थी जिनको अभी तक आवंटित नहीं किया गया है महाविद्यालय, इनकी सूचना भी यहाँ पर 27/10/2020 को दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर इतना कहना चाहता हूँ कि आपके सेकंड काउंसलिंग से पहले एक बार फिर से इसकी लिस्ट जारी होगी और जिन भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर महाविद्यालय नहीं आवंटित हुआ है और जिन्होंने पहले राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया है, तो उन्हें यहाँ पर इस संबंध में जो गैर आवंटित अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर महाविद्यालय आवंटन की सूचना दी जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं PTT 2 ईयर के पाठ्यक्रम की, यानी BEd पाठ्यक्रम के बंदों की या बंदियों की, कि भाई आपका यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इस संबंध में अभी कंफर्म डेट का कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको बता सकूँ कि भाई आपकी जो काउंसलिंग है वो 2 या 3 नवंबर को स्टार्ट हो रही है। बट इतना ज़रूर मैं आपके कह सकता हूँ कि आपकी जो काउंसलिंग है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षा विभाग द्वारा इन सभी महाविद्यालय को इस PDF को सेंड किया गया है और इस PDF के अंतर्गत शिक्षा विभाग ने सभी महाविद्यालय को कहा है कि जो समन्वयक PTT 2020 का परिणाम जारी किया जा चुका है 2 वर्षीय का, और उसी के साथ अभी स्नातक का जो अंतिम वर्ष का रिजल्ट है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि विद्यार्थी आगामी पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित न रहें, इसके लिए आप इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करने की कृपा करें। और इसी के साथ इसके अंतर्गत ये लिखा है कि इसे प्राथमिकता प्रदान करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। तो फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर देखते हुए लग रहा है कि जो सभी फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो 30 तारीख तक आ जाना चाहिए, 30 को नहीं तो 31 तारीख तक तो आ ही जाना चाहिए। तो उसी को मद्देनजर हुए हम ये कह सकते हैं कि भाई जो आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। बाकी फ्रेंड्स, आप किसी भी मामले में चिंता ना करें, चैनल जॉबलक के माध्यम से आपको हर एक स्टेप का पहले से वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। यानी जब भी आपका कोई नया स्टेप आता है तो हमारे चैनल द्वारा आपको उसकी अपडेट दे दी जाएगी। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए अगली वीडियो 27 तारीख को आएगी, जब भी इसके अपवर्ड मूवमेंट तथा गैर आवंटित अभ्यर्थियों की सूचना दी जाती है। और उसी के साथ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि इस पर क्लिक करके अगर उनके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी तरह का करेक्शन है तो यहाँ पर करेक्शन पैनल पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आवश्यक रूप से करेक्शन कर लें, जिससे उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। बाकी फ्रेंड्स, आपसे संबंधित कई सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पर चैनल पर विजिट करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार रहेगी PTT 2020 में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
इस वीडियो का लाइक एम केवल 50 लाइक है, तो इस एम को पूरा करने में चैनल का सहयोग कीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। आगे की भी सभी स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोसेस की वीडियो इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध होती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।